सहाफी हफीजुल्ला नियाजी तैश में आ गए। इमरान खान समेत अहम शख्सियत के बारे धमाका खेज इंकशाफ कर दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफी हफीजुल्ला नियाजी ने कहा कि उन्हें यकीनन अफसोस होता है अगर वो इमरान की नफरत में झूठ बोलना शुरू कर दें। क्या कोई ऐसा वाकया कोट करूं जो मुबालगा आराय पर मबनी हो? असल हकीकत यह है कि 2014 के अंदर जब ताहिरुल कादरी और इमरान खान को कंटेनर पर चढ़ाया गया था, अप्रैल 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान में बिलबोर्ड लगाए गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। हफीजुल्ला नियाजी ने कहा कि वो पिछले 8 साल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 के अंदर पानामा तो नहीं हुआ था जब ये दो बंदे कंटेनर पर चढ़कर सारे मुल्क को हिला रहे थे और सारे मीडिया चैनल्स उनको प्राइम टाइम पर वक्त दे रहे थे। रियासत पर कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि सियासत नहीं रियासत बचाओ? सीनियर सहाफी ने सवाल करते हुए कहा, सियासत ने क्या कसूर कर दिया था उस वक्त? नवाज शरीफ को 8 माह हुए थे इक्तदार संभाले और उसके अंदर किसी को नहीं पता कि किसका हाथ था। निजामे अदल पर जोर देते हुए हफीजुल्ला तैश में आ गए और कहा, अगर ऐसा ही है तो मारें गोली फिर नवाज शरीफ और सबको। आज अगर मुल्क गढ़े में पड़ा है तो ये उन 8 सालों की कार्रवाइयां हैं जो इस मुल्क के साथ मजाहिया प्रोग्राम चलाते रहे हैं।